मॉर्निंग में टाइम हुआ है 6:30, जा रही हूँ लेबोरेटरी। क्या मिलनी हो रही है ये सुबह सुबह परसों की विदाई एडवांस एहसास हो जुदाई का एहसास नहीं हम हमेशा साथ रहेंगे है ना बिल्कुल फोन पे ही सही वीडियो कॉल किया करेंगे है ना मैम है ना और आज तो कैसे जब भी हमें विधे तो जादू की जब भी चलो जी अपने उठाओ चलो ये हमारा रूम ये हमारे बेड्स अब कुछ दिनों में हम इस रूम को अलविदा कहेंगे जिस रूम में हमने बहुत अच्छी यादें बिताई है बच्चे क्लास के लिए तैयार बच्चे क्लास के लिए तैयार ताला ओके मैं आती हूँ चाबी ताला मैं लगा के आती हूँ चलो जी बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज आप लेट हो गए ब्रेकफास्ट के लिए हाँ आज मैं ना उधर गई थी लैब में टेस्ट करवाने के लिए तो कल मुझे डॉक्टर ने प्याज के परांठे हैं अच्छे बने हैं अच्छा ठीक है कैसे बने हैं बहुत अच्छे बने हैं मैं चाय पी रही हूँ इस टाइम मैम अब तो हमारे जाने के दिन आ गए अब हम लोग क्योंकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी अब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं हमारा सर्कल बन गया फर्स्ट डे तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था जिस दिन मैं आई थी ना हाँ मतलब जाना चला कि आज हमारा फील्ड रिजल्ट है बढ़िया सपोर्ट है इसी बात देखो उधर आगे और मैम ठीक हो आज फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं क्या होता है क्या होता है आज आप बड़े फ्रेटे लग रहे हो पिंक पिंक पिंकी आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रिकैप की प्रस्तुति आपको सुनाते हैं सुनो 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 फोर्थ डे रिकैप सुनो पहले सेशन में डॉक्टर नेमी आए बजरिंग अराउंड हम किधर चले हम आज जा रहे हैं किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ले जा रहे हैं हमें वहाँ बहुत सारा जाएंगे वहाँ वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और दो तीन प्रोजेक्ट पे भी और भी काम चल रहा है उनका तो फिर हमें वहाँ ले जाया जा रहा है दिखाने के लिए ताकि हम जब अपने स्कूल्स में वापस जाए तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकें ये मैम जा रहे हैं और वो बस लगी हुई है आगे जिसमें हमें जाना है अभी तो अभी कुछ साथी हमारे वो आ रहे हैं कुछ साथी वो ये आ रहे हैं कुछ लोग अभी पीछे रह गए और हम बस के पास ऑलमोस्ट पहुंच गए ठीक है सवार दे।
नाम ममता है, मैं टैलेंट में आती हूँ। मेरा नाम भी ममता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पूरे एफर्ट करूँ ताकि बच्चे कुछ कर सके। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। नहीं, हमने जिससे भी जो भी पूछा था वो बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं मैम। ये बच्चे अब कर पा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आए थे पेंसिल पकड़ना भी नहीं जाता। ओके, आज इतना है कि हल्का दो कॉन्सेप्ट सीख हो चुके हैं। अच्छा, और आज एक बच्चा आया नहीं है, इवन जो स्टार्टिंग में पेंसिल चलाने नहीं आता, आज मैम वो बुक पढ़ना सीख चुके हैं। वेरी गुड मैम, आपके एफर्ट्स है, आप इतने प्यार से। मैम हम तो मेहनत कमाने वालों में से हैं, बच्चे ने मेहनत हमको नहीं करती है। नहीं, बच्चों की इन बच्चों अगर प्यार की जरूरत है, टीचर का सपोर्ट होना बच्चे के साथ, तो कुछ भी कर सकता है ना। मैं तो अटेंडेंट क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप भी नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका क्या नाम है बेटा? चलो अभी क्या नाम बताया बेटा आपने? मास्क नीचे करो अपना। आपका क्या नाम है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिख रहे हो आप? ये क्या है? ओके, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? प्रज्ञा। ओके प्रज्ञा, क्या लिख रही है? वन। ओके, पासे सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क, हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना नवास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना नवास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? कौन सी क्लास में हो? अलग अलग क्लास में? फोर्थ में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैम, क्या कर रहे हो आप अभी? हैव ए सीट प्लीज। डांस कर रहे हो? चलो फिर हम देखते हैं आपका डांस अभी, है ना? एक मिनट में अपने संबोधन में आप सबका स्वागत भी करें और धन्यवाद भी करें। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जब किसी और स्टेट के लोग, चंडीगढ़ के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल को देखना चाहते हैं, तो आज आप लोग भी यहाँ आए। इट वॉज़ ए प्राउड मोमेंट।
छोटे छोटे ही काम हमारे होते हैं, कोई एफर्ट्स होते हैं, जब उनको कोई रिकॉग्निशन मिलती है, जब बच्चे हमारे कोई ना कोई अचीव करते हैं, तो वही छोटी छोटी खुशियाँ हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सबका हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, NSS की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम आपका। और मैं ज़्यादा समय ना लेती यही कहूँगी, जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें, अगर वो लगातार उनका बरसना बड़ी बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है, ऐसे ही मेरे प्रयास चाहे छोटे हों लेकिन वो बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। इन्हीं उम्मीद के साथ हम स्कूल में काम करते हैं और यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारा मेन है वो आगे बढ़ें, अच्छे से अपनी एजुकेशन करें। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत वेलकम स्कूल में। थैंक यू सो मच। जान से प्यारा होता है, शत शत नमन हम करते हैं, कोटि कोटि नमन हम करते हैं, कोटि कोटि नमन हम करते हैं। आप सभी सम्मानित जनों का हमारे इस गांव के विद्यालय में हृदय से सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं आप सभी का जो आप सभी ने अपने व्यस्त कीमती समय में से हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और NSS वॉलंटियर्स के लिए अपना कीमती समय निकाला और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे विद्यालय में आए। हम NSS वॉलंटियर्स के लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है कि हमें NSS से जुड़ने का मौका मिला और आप जैसे प्रेरणा स्रोतों से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, जिससे हम अपने NSS के कार्यों को और अच्छे से और जिम्मेदारी से कर पाते हैं। एक NSS वॉलंटियर होने के नाते हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना सीखा है। जग में जन्मा और जब से होश संभाला है, एक नारी के जीवन में देखा तकलीफों का पिटारा है, शायद मैं या पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊँगा, करना है एहसास मुझे, मैं नारी बनना चाहूँगा, मैं एक नारी बनना चाहूँगा। Thank you.
क्या कर रहे हैं। एक बार ही सारे इधर देख लीजिए सर, कैमरा में फोटो कर रहे हैं सर, सारे प्लीज इधर क्या सर आपके। हेलो मैम, हाय, वेरी 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 मतलब सभी को ऐसे इंटरेस्ट होनी चाहिए। हाँ अच्छा, वीडियो बना रहे हैं और देखो तो ये भी तो गवर्नमेंट स्कूल है ना, बहुत अच्छा ना ये ओवरऑल वीडियो बना रहे। हाँ बस सब हो गई, चलो हो गई। हेलो हेलो, क्या मैं भी हूँ और मैं उतना छोटा हूँ। कितना छोटा था मैं कल, कितना बताया था आपने मुझे? बहुत छोटा है, 10 साल, ये हमसे 10 साल छोटा है। हाँ 10 साल छोटा हूँ शायद इससे। नहीं अच्छा मैम ने बताया, ये ममता मैडम है और यहाँ वीर सर है और ये हमारे नहीं और ये हमारे हमारे ऑफिसर्स हैं जो हमारे। ओ देखो दीपक सर को वापिस आना पड़ा पूरी टीम करने के लिए। ऐसा लगा मैम आज 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 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ना। हम क्या क्या करेंगे अब वापस जाके प्रिंसिपल से? की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों देखे हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों देखे हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
बहुत अच्छा मैम, अच्छा रहा। हेलो, वी एंजॉयड अ लॉट एंड इट वाज वेरी वेरी यू नो एंजॉयबल ट्रिप। ओके, चलो अब लंच करते हैं, है ना। कैसा रहा सर आज ट्रिप? मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड, कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया ट्रिप रहा जी, एंजॉय। और खाना भी बहुत अच्छा, खाना भी आज स्पेशल है, स्पेशल बना आज। गुड गुड, चलो आप एंजॉय करो लंच अपना, हम भी लेते हैं।